हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ, एक टाइम का मल्टीबैगर था ये स्टॉक रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आप सब जानते होंगे खासकर इसको, रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को। बहुत लोगों का पैसा डुबाया इसने अभी रिसेंटली। तो आप देखिए, रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड अभी 400-500 तक चला गया था, वहाँ से गिर के अब 168 पे ट्रेड कर रहा है। और एक न्यूज़ और चल रही है रेन इंडस्ट्रीज में, क्या इसका क्वार्टरली रिजल्ट। चलिए बात करते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट कैसा रहा इस छोटे से वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। 168 का प्राइस अभी चल रहा है, 10 रुपये का डाउन देखा गया था 14 नवंबर को। ऑलमोस्ट 5 से 6% के बीच में ये डाउन था। अगर इसका 52 वीक लो देखा जाए तो 148 का 52 वीक हाई 475 रुपये का। देखिए, 475 से गिर के कहाँ आ गया ये, रैंकता रैंकता किस लेवल्स पे आ गया ये। अगर आप इसका अर्निंग पर शेयर देखें तो, क्योंकि ये पुराना है, प्रीवियस होता है, तो ये देखिए 32 रुपीज़ का शो कर रहा है। और मार्केट कैपिटलेशन कितने, किस लेवल पे गिर गया, ऑलमोस्ट 5600 करोड़ के अराउंड मार्केट कैपिटलेशन आ चुका है। पी रेशियो 5.17 का है, बुक वैल्यू 120 रुपीज़ की है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.40 का है और फेस वैल्यू 2 रुपीज़ की है। चलिए, सब चीज़ बढ़िया है। अब देखते हैं रिजल्ट कैसा रहा इसका, सितंबर का रिजल्ट आया है। टोटल इनकम की अगर बात करते हैं तो देखिए, टोटल इनकम में भी पिछले क्वार्टर से यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। 3800 करोड़ से 3492 करोड़ हो चुका है, 3492 करोड़ हो चुका है ये टोटल इनकम है। कंपनी बड़ी है, सब कुछ देखिए, टोटल इनकम ही 3400 करोड़ है, सब चीज़ बढ़िया है। लेकिन इस स्टॉक में आगे जो गिरावट है वो थोड़ा सा रुकने का नाम नहीं ले रही। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 303 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, जो कि अब गिर के आ गया है 189 करोड़। ये फिगर्स जो है ये कंसोलिडेटेड है, 189 करोड़ आ चुका है और लास्ट ईयर ये 253 करोड़ था। तो 253 लास्ट ईयर सितंबर से 253 करोड़ से 189 करोड़, मैं तो इसको बहुत गिरावट मानूंगा। और अगर आप देखें क्वार्टरली बेसिस पे भी गिरावट है ज़बरदस्त वाली, और ईयरली बेसिस पे भी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप डिविडेंड के साथ में इसने 1 रुपये का डिविडेंड, एक लॉलीपॉप पकड़ा देना कहते हैं ना जैसे, तो उस तरीके से 1 रुपये का डिविडेंड भी दिया है रेन इंडस्ट्रीज ने। लेकिन क्या फ़ायदा, रिजल्ट के साथ अनाउंस किया है तो क्या फ़ायदा उस डिविडेंड का। चलिए आगे देखते हैं। टेक्निकली अगर हम देखा जाए तो रेन इंडस्ट्रीज देखिए किन लेवल से गिरा है, मतलब कि 477 के लेवल से देखिए किस बुरी तरीके से नीचे गिरा है। बहुत लोगों का बहुत ज़बरदस्त इसमें एकदम डाउनफॉल देखा गया, और अभी भी गिरने, मतलब जो गिरावट है वो थमने को का नाम नहीं ले रही है। और मैं तो ये कहूँगा कि आप इन लेवल्स का वेट कीजिए, मतलब कि ये 100 के लेवल्स पे भी आ सकता है, क्योंकि 120 का इसका जो बुक वैल्यू है, इन लेवल्स पे भी आ सकता है ये स्टॉक आने वाले टाइम पे ऐसा रिजल्ट शो करेगा। तो देख लीजिए आप इसको, 146 का था और ये 120-22 का, इसकी जो असली लिमिट लग रही है 100 से 120 की लग रही है। यहाँ से तो ये एकदम बिल्कुल ऐसा उछला था, थोड़ा सा ओवर हाइप्ड स्टॉक कहेंगे ना, ओवर हाइप्ड हो गया था, और जिसकी वजह से इतना ज़बरदस्त इसमें उछाल देखने को मिली थी। तो लेकिन अगर आप रेल इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टेड हैं और आप चाहते हैं कि मैं और लॉन्ग टर्म में इसमें इन्वेस्ट करूं, इन्वेस्टेड रहूं, तो आप देखिए यहां से रिजल्ट तो इस तरीके के है कि आपको निकलना चाहिए जितना भी पैसा मिल रहा है। और कोई अच्छे स्टॉक पे जो और अच्छा स्टॉक है और गिरावट जिसमें देखने को मिले उसमें लग सकते हैं आप अपनी उसको। लेकिन अगर आप उम्मीद करते हैं कि ये स्टॉक में आपको भरोसा है तो आप इसको और नीचे लेवल पर 120 लेवल के अराउंड उठा सकते हैं। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि रेन इंडस्ट्रीज का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, बिल्कुल ही नाखुश कर देने वाला रिजल्ट रहा अभी भी। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।